हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज में। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि दिवाली सीजन है तो अब हम बहुत सारी स्वीट डिश रेसिपीज़ आपको बताएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, एकदम हलवाई स्टाइल। घर में कैसे बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये मीडियम साइज़ का बोल लिया है और इसमें हमने बेसन लिया है। थोड़ा सा इसमें हमने एक अंगुल के बराबर कम रखा है, क्योंकि हम ये तीन लोगों के लिए लड्डू या तीन से चार लोगों के सर्विंग के लिए लड्डू बना रहे हैं। ये हमने जितनी मात्रा में बेसन लिया था उतनी ही मात्रा में चीनी लिया है। तो अब हमें ये बेसन में, क्योंकि गुठलियाँ जैसी होती हैं, तो हम सबसे पहले एक प्लेट लेकर उसमें बेसन को ऐसे छान लेंगे, ताकि जब इसको पानी से घोलेंगे तो इसका अच्छे से घोल बन के तैयार हो सके। तो ये बेसन हमने छान के ले लिया है इस बोल में। तो अब हम इसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर डालेंगे, ताकि इसका एकदम मार्केट जैसा कलर आ जाए लड्डुओं का। तो ये वन पिंच के बराबर आप देख सकते हैं हमने लिया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐसे पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे। आप ये देख सकते हैं हमने अच्छे से पानी मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी का ये घोल तैयार हो गया है। तो अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसको गैस पे रख के। तो मैं यहाँ पे देसी घी के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे घर में सबको देसी घी के लड्डू पसंद आते हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने देसी घी लिया है अमूल का। अब इसको हम अच्छे से गर्म होने, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसकी बूंदी बनाएंगे। तो ये मैंने बूंदी बनाने के लिए लिया है। इसको हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, अभी हम इसको पलट देंगे। गैस को कम कर देंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो पूरा निकल जाएगा। अब हम यही प्रोसेस करेंगे सारे घोल के लिए। तो अब हम ये घोल लेंगे और इसमें थ्रू ऐसे डाल देंगे। इसको मीडियम आंच पे सेकना है, पलट देंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है फिर से। अब हमें इसमें ये चीनी डालेंगे, एक बोल जो हमने लिया था, और चीनी के बराबर ही इसमें पानी लेंगे और डाल देंगे। अभी एक तार आने तक हमें चाशनी बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं गैस पे रखे हुए। तो अब ये एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को कम कर देंगे
और इसमें एक चुटकी इलायची पाउडर डाल देंगे, और जो बूंदी हमने ली थी उसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये एक प्लेट में ले लेंगे। अब हमें इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करना है। इसमें हम ये खरबूजे के दाने डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए लड्डू बनाने से पहले ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये बूंदी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसके लड्डू शेप में बनाएंगे। तो साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस प्लेट में रख सकते हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो आप चाहें तो इन्हें अभी भी ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बट असली मिठाइयों का मज़ा 4 से 5 घंटे के लिए हमें रखने के बाद ही आता है, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो जाता है और देखने में भी और खाने में भी बहुत ही स्वाद लगता है। तो इसको हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो अब हमारे ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिएगा। जैसा कि हमारी डिश बनके तैयार हो चुकी है, तो घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।